नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त टीम इंडिया के कुछ फैसलों की चर्चा हो रही है। जिस तरीके से टीम इंडिया अब आगे बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से टीम इंडिया अलग अलग तरीके से खिलाड़ियों को चुन रही है और खास तौर पर एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए, अब कुछ ऐसे पांच सवाल खड़े हो गए हैं टीम इंडिया की स्क्वाड से, टीम इंडिया के फैसलों से, बीसीसीआई के कदम के बाद, कि जिनके बाद बवाल खड़ा होना शुरू हो गया। और ये कहा जा रहा है कि भाई इन फैसलों को आखिर क्यों किया गया, आखिर इन फैसलों का मतलब क्या है, क्या टीम इंडिया वास्तव में कोई खेल कर रही है, कोई मजाक कर रही है, क्या वास्तव में टीम इंडिया दोबारा से एशिया कप और वर्ल्ड कप नहीं जीतना चाहती। क्योंकि जो मैं पांच बातें आप लोगों को बताऊंगा, इन पांच बातों को समझकर, इन पांच बातों को सुनकर आप भी कहेंगे कि भाई ये तो मजाक है, ये टीम इंडिया का जीतने का रुतबा नहीं है, ये टीम इंडिया की जीतने का कोई इरादा नहीं है, ये तो इरादा केवल और केवल अपने पसंद के खिलाड़ियों को मौका देना है, इससे अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि पांच विवादित फैसले टीम इंडिया ने लिए हैं, कुछ फैसले अच्छे भी माने जा रहे हैं, कुछ फैसलों की बड़ी तारीफ हो रही है, तो कुछ फैसलों पर विवाद खड़ा हो गया है। अब सबसे पहले अच्छे फैसले बता देता हूं, उसके बाद में विवादित फैसलों की बात करूंगा। लंबे फैसले हैं विवादित। अच्छे फैसलों में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया ने रिंकू सिंह को मौका दिया। जाहिर तौर पर आयरलैंड के दौरान अगर रिंकू सिंह खेलेंगे टीम इंडिया में, तो बेहतर प्रदर्शन अगर करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए टीम इंडिया के लिए एक अच्छा फिनिशर तैयार हो जाएगा, जो नंबर 6 नंबर 7 पर निचले क्रम पर आकर अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। क्योंकि धोनी के बाद टीम इंडिया को फिनिशर नहीं मिला जो अपने दम पर मैच जिता सके, जैसा धोनी किया करते थे। लेकिन रिंकू सिंह के अंदर वो ताकत हमने आईपीएल में देखी है, अपने दम पर छक्के लंबे लंबे लगा सकते हैं, मैच जिता सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये बहुत अच्छा फैसला टीम इंडिया के का रहा, बीसीसीआई का रहा, रिंकू सिंह को मौका देना, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उसके बाद में जितेश शर्मा को मौका देना, जाहिर तौर पर जितेश शर्मा को मौका देना बहुत बढ़िया है। उमरान मलिक को लगातार टीम इंडिया मौका दे रही है, यह भी बहुत बेहतर फैसला है। रवि बिश्नोई को मौका दिया जा रहा है, यह भी बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि आयरलैंड के दौरान रवि बिश्नोई जाएंगे और भविष्य के बेहतर स्पिनर रवि बिश्नोई माने जा रहे हैं। जितेश शर्मा भी उसी तरीके से बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज माने जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यह बात, यह फैसला टीम इंडिया का बहुत सॉलिड है। उमरान मलिक को खिलाना भी, लगातार मौके देना, यह भी टीम इंडिया का फैसला बहुत बेहतर है। लेकिन सवाल जो है उन फैसलों के लेकर खड़े हो रहे हैं, जिन फैसलों को लेकर यह कहा जा रहा है कि भाई ये क्या है, भांग पीकर ये फैसले लिए हैं क्या, इन फैसलों के पीछे टीम इंडिया का दिमाग क्या था, क्या नींद में ये फैसले लिए गए। दरअसल सबसे पहला फैसला जो था जो है वो है जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बनाना और ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन बनाना। देखिए ये जो फैसला है ये क्रिकेट फैंस को खल रहा है, ये फैसला टीम इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके दिमाग को उतर नहीं रहा है। उनका कहना है कि भाई जसप्रीत बुमराह कोई फ्यूचर के कैप्टन तो माने नहीं जा सकते, क्योंकि चोटिल है और कैप्टन तो उस खिलाड़ी को बनाया जाता है जो ज्यादातर फिट होता है, ज्यादातर मैदान पर उतरे। तो अगर कोई खिलाड़ी ज्यादा चोटिल होता है, क्योंकि 1.5-2 साल जसप्रीत बुमराह मैदान पर आएंगे, अगर कोई खिलाड़ी इतने दिनों तक बाहर मैदान पर रह सकता है तो भाई उसका कैप्टनसी को क्यों देख रहे हैं, कैप्टन तो उसको बनाओ जो फ्यूचर के तौर पर है, जैसे ऋतुराज गायकवाड़। अब ऋतुराज गायकवाड़ को तो वाइस कैप्टन बना दिया, जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना दिया, तो जाहिर तौर पर इस फैसले को लेकर भी क्रिकेट फैंस परेशान और हैरान है कि भाई ये कैसा फैसला, इस फैसले की तो समझ में ही बात नहीं आ रही है। अरे भाई टीम में संजू सैमसन थे, उनको कैप्टन बना दिया होता, संजू सैमसन ने कप्तानी की भी है, उनको कप्तानी का अनुभव भी है, लेकिन संजू को कप्तान नहीं बनाया और जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना दिया, तो जाहिर तौर पर ये एक अटपटा फैसला है। इस फैसलों को लेकर वास्तव में विवाद खड़ा हो रहा है। उसके बाद में जो फैसला है वो ये है कि जितेश शर्मा और संजू सैमसन, मेरे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद संजू सैमसन ही टीम इंडिया का प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे जो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज होगी। तो भाई फिर जितेश शर्मा को क्या पानी पिलाने के लिए रखा है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। जब आपको जितेश शर्मा खिलाने नहीं है तो आपने उनको क्यों रख लिया, मुझे बात समझ में नहीं आई। जब भाई आपने मतलब लगातार आप संजू सैमसन को ही मौका देने वाले, संजू सैमसन को ही